दिल्ली में स्मॉग का सालाना मौसम दस्तक दे चुका है। इसके असर से आंखें जल रही हैं और खांसते खांसते दम घुटने लगता है। पूरी दिल्ली पर स्मॉग का छाता सा तना है। हवा का रंग नहीं होता। स्मॉग की अकेली शिकार दिल्ली नहीं, कई दूसरे शहर भी साहूदार हैं। पिछले कुछ सालों में स्मॉग ने काफी नाम कमाया है। हमें इसकी आदत पड़ गई है। आपको बता दें, दुनिया में आज तक का जो सबसे मशहूर स्मॉग लगा वो लगा ब्रिटेन में। ये ऐतिहासिक स्मॉग था। ये 1952 के साल की बात है। तारीख 5 दिसंबर 9 दिसंबर। धुंध और जहरीले धुएं के मेल से बना स्मॉग लंदन शहर पर छा गया था। इस स्मॉग ने हजारों लोगों की जान ले ली। आंकड़े कहते हैं कि 12,000 लोग मारे गए, 2,00,000 से ज्यादा लोग बीमार पड़े। एक हफ्ते के भीतर ही 4,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये वाकया लंदन के इतिहास के सबसे बड़े नागरिक संकटों में से एक था। इसका नाम दिया गया ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन। माना जाता है कि इस ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन के बाद ही दुनिया को पर्यावरण से जुड़े कानून बनाने की सीख मिली। 1956 में वहां कानून बना, राइट टू क्लीन एयर। लंदन और कई यूरोपीय देशों ने इस वाक्य से सीख ली। दूसरी तरफ हम हैं, तीसरी दुनिया के नाम से पुकारे जाने वाले देश। हम प्रदूषण से लड़ने का मन तक नहीं बना पाए हैं। हम सब भी उसी बर्बादी की राह पर हैं। हमारे यहाँ भी गंदगी, हवा, पानी से लोग मर रहे हैं। अंतर इतना है कि हमारी सरकार उन मौतों की परवाह नहीं कर रही। लोग खुद जागरूक नहीं। उनके लिए साफ हवा, पानी कोई मुद्दा ही नहीं है। तभी तो ये स्मॉग लौट लौट कर आता है।